हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए फिर आप शुरू करते हैं न्यू रेसिपी। न्यू तो नहीं है, रेसिपी पुराना ही। आप किसी भी रेस्टोरेंट, किसी भी फाइव स्टार, किसी भी होटल में आप खाए होंगे। सिंपल सा रेसिपी है, वेज मंचाओ सूप। तो आप कैसे खाए हैं, कैसा लगता है आप पता होगा, बट मेरा तरीका एक बार ज़रूर फॉलो कीजिए। तो उसके लिए हमको क्या क्या इंग्रेडिएंट ज़रूरत है उसको देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा कटिंग। मैं कैसा कटिंग किया, तो हमने कटिंग करके रखा है, सजा कर रखा है, उसको भी दिखा देता हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो हमने सबसे पहले ले लिया था गार्लिक, जिंजर, कैरेट, केबेज, बीन्स, ग्रीन चिली, ऑनियन, कोरिएंडर, स्प्रिंग ऑनियन, और बाकी का जो सीजनिंग हमें चाहिए, एरोमेटिक मिक्स, वाइट पेपर, सॉल्ट। ये नूडल्स फ्राई करेंगे। मंचाओ सूप में चाव नहीं जाएगा तो मज़ा ही कुछ अलग है। तो चाव बनाएंगे उसको, उसके भी दिखाऊंगा अभी। तो चाव को अभी डस्टिंग करने के लिए हमने लिया कॉर्नफ्लोर। तो अभी जो सॉस चाहिए हमें, रेड चिली सॉस चाहिए और डार्क सोया चाहिए। बाकी का जो हमारा सेटअप में है हम उसको भी ऐड करेंगे, तो फॉलो कीजिए। तो चलिए बनाते हैं। तो हमने रेंज को ऑन कर लिया, वोक ले लिया। वोक में सबसे पहले चाव को फ्राई कर लेंगे। तो चाव को फ्राई करने के लिए हमने ले लिया ऑयल। चाव कुछ नहीं है, बॉयल नूडल्स है, उसको हम चाव बनाएंगे। अब बॉयल नूडल्स कैसे करते हैं आप तो सीख ही गए होंगे, अगर नहीं सीखे तो मेरा नेक्स्ट रेसिपी को फॉलो कीजिए, अभी सिखा दूंगा नूडल्स कैसा ऐसा खिला खिला बनेगा। तो नूडल्स में हम ऐड कर रहे हैं सिर्फ कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर में डस्टिंग करिए, नूडल्स हमारे ऐसे ड्राई हो जाएगा। देन हम इसको ऑयल में फ्राई करेंगे। हमारा जैसा सेव भाजा बनता है ना, ऐसा ही बनेगा क्रिस्पी नूडल्स। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अभी हम ऐड करेंगे इसमें नूडल्स। नूडल्स को फ्राई करेंगे। नूडल्स जब भी फ्राई करें ऑयल पूरा ज़्यादा हीट होना चाहिए, 300 डिग्री ऊपर से ज़्यादा हीट होना चाहिए, क्योंकि जब ठंडे में डाल देंगे नूडल्स आपका खुलेगा नहीं। तो देख सकते हैं ऐसे ही नूडल्स खिला खिला बनेगा, ज़्यादा हीट में फ्राई करेंगे तो। नूडल्स हमारा फ्राई हो चुका है, अभी रिमूव करते हैं उसको स्टेनर में। देख सकते हैं कितना बढ़िया क्रिस्पी बना है, कलर भी आप देख सकते हो, ऐसे ही बनाना है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे ऑयल, इसमें मार करेंगे गार्लिक फाइन चॉप जो किए थे, फिर आएगा हमारा जिंजर, उसके बाद हम मार करेंगे इसमें ऑनियन। ऑनियन जो हम डाल रहे हैं, ऑनियन ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हो या नहीं डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसमें किसी ने मशरूम भी ऐड करते हैं। मशरूम जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं जाता है। तो हम बना रहे हैं विदाउट मशरूम का, तो ऑनियन आपके लिए ऑप्शनल है। तो उसके बाद आएगा हमारा ये ग्रीन चिल्ली। ग्रीन चिल्ली अपना हिसाब से लीजिए, स्पाइसी जितना आपको चाहिए। तो उसको अच्छे से थोड़ा भूंज लेंगे बढ़िया से। तो फिर हम ऐड करेंगे इसमें हमारा वेजिटेबल स्टॉक। वेजिटेबल स्टॉक कैसे बनता है उसका रेसिपी हम बता देंगे एक बार। आज सूप देख लीजिए, पानी हमारा उबलना शुरू हो गया, उसमें हम ऐड करेंगे कैरेट, हमारा काटी हुई चॉप कैबेज, फिर आएगा हमारा इसमें काटी हुई बीन्स, उसके बाद इसमें आप करना एरोमेटिक मिक्स, वाइट पेपर एंड सॉल्ट।
उसके बाद आएगा इसमें हमारा थोड़ा सा रेड चिली सॉस, और ये आएगा हमारा डार्क सोया जो हमने दिखाया था। तो मंचा सूप थोड़ा ब्लैक कलर का जाता है, तो सोया डालने से हमारा ब्लैक हो जाता है। थिकनेस के लिए हम ऐड कर रहे हैं ये कॉर्न स्टार्च, तो कॉर्न स्टार्च डालते ही थिक हो जाएगा। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, ज़्यादा मोटा नहीं करना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। इसमें हम आ करें थोड़ा सा कुकिंग वाइन, आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, कुकिंग वाइन डालना ज़रूरी है, आप नहीं भी डाल सकते हो। अभी इसमें हम ऐड कर रहे हैं हमारा काटी हुई स्प्रिंग ऑनियन एंड फाइनल कोरिएंडर चॉप, जो हमने हरी हरी कोरिएंडर काटा था। हमारा मंचा सूप भी बन के तैयार, चलिए खा के बताते हैं कैसा लगा। तो सबसे पहले सूप बाउल में उसको हम रिमूव कर लेते हैं। तो अभी आ चुका है हमारा मंचा सूप बाउल में, थोड़ा सा गार्निश कर देंगे उसका ऊपर स्प्रिंग ऑनियन देके। चलिए हम अभी खा के टेस्ट करके बताते हैं। तो सबसे पहले वो फ्राई किया चाव को हम डालेंगे उस सूप के अंदर, तो आप चाहे जी डाल सकते हो, आपको पसंद है तो मैं भी डाल रहा हूँ। तभी उसको रखते हैं साइड में। सूप तो हमारा ज़बरदस्त बना है, वेज है। अगर नॉनवेज आपको चाहिए रेसिपी तो ज़रूर कमेंट कीजिए, नॉनवेज का रेसिपी आपको बता दूँगा। तो रेसिपी मेरा कैसे लगा जरूर बताएं, और आगे ऐसे नए नए रेसिपी देखने के लिए जरूर चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो ऐसे ही आप बनाते रहिए और खाते रहिए, मैं आपको दिखाते रहूँगा। तो तब तक ले जाइए जगन्नाथ।